एलएसी पर लाल सेना की साजिश को नाकाम करने के साथ किसी भी गुस्ताखी पर सजा देने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। चीन ने सैनिकों की भारी तैनाती करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने भी हथियारों की तैनाती के साथ प्रहार का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब एलएसी पर भारत की स्ट्राइक कोर को तैनात किया गया है। आर्मी की ये कोर दुश्मन को धूल चटाने में माहिर है। पहाड़ हो या मैदान, भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर के जवान दुश्मन को खत्म करने का हर तरीका जानते हैं। प्रहार करने में माहिर, अचूक निशानेबाज, दुश्मन से आमने सामने भिड़ने वाले योद्धा, भारत के वो फ्रंट वॉरियर्स जिन्हें सिर्फ अटैक के लिए तैयार किया जाता है, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तपाया जाता है। इंडियन आर्मी के इन घातक सोल्जर्स की ब्रिगेड का नाम ही स्ट्राइक कॉर्प्स है। दुश्मन की साजिश नाकाम करने वाले योद्धा अब एलएसी के करीब, हमेशा सबसे आगे और सबसे पहले पहुंचकर सरहद की रक्षा करने वाले मां भारती के सपूत चीन को सबक सिखाने के लिए तैनात हो चुके हैं। भारत की फर्स्ट स्ट्राइक कोर का ट्रांसफर पूर्वी लद्दाख किया गया है। सेना के जवानों को चीन की आर्मी को जवाब देने के लिए भेजा गया है। सेना के पास अभी एक कोर और 17 कोर के साथ दो माउंटेन स्ट्राइक कोर हैं। एलएसी पर शांति कायम रखने के लिए भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की खुराफात कम नहीं हो रही। पूर्वी लद्दाख में डेम चौक के चार्डिंग नाले के पास चीन ने कुछ तंबू लगा दिए। इनमें कुछ लोग रह रहे हैं जो सेना की वर्दी में नहीं है। चीन इन्हें आम नागरिक बता रहा है। भारत की तरफ से इन लोगों को कई बार वापस लौटने को कहा गया, चेतावनी दी गई, लेकिन ये लोग वापस नहीं लौटे। चीन तंबू और आम नागरिकों की आड़ में भारत के क्षेत्र में दखल देना बंद नहीं कर रहा। जहां किसी को नहीं होना चाहिए वहां भी अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। फर्स्ट कोर के जवान पहाड़ों में हमले करने में दक्ष है। इस कोर को खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। ये डिफेंस की जगह अटैक करने में माहिर होते हैं। इनकी मौजूदगी का मतलब किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले का नाकाम होना है। सूत्रों के मुताबिक गहराई वाले इलाके में चीनी सैनिकों के चार डिवीजन G219 नेशनल हाईवे पर तैनात हैं। ये सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती है। इसको लेकर भारत ने भी अपनी सैन्य तैयारियां कर ली हैं और वो पूरी तैयारी करने में जुटा है। एलएसी पर तैयारी ऐसी है कि चंद मिनटों में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ताकत बढ़ाने के साथ निगरानी भी जरूरी है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए एलएसी पर नए कैमरे और सेंसर्स भी लगाए। कैमरे पहले भी थे लेकिन अब उन्हें बदला गया है और हाई क्वालिटी वाले कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर मौसम और 24 घंटे सर्विलांस सिस्टम काम करे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन पर नजर बनाए रखने के लिए कैमरे और सेंसर्स में कुछ बदलाव किए हैं और इनकी संख्या को बढ़ाया भी है। एलएसी पर तैयारी के साथ ही मजबूत रणनीति भी तैयार हो रही है। अमेरिका और भारत के बीच चीन पर नकेल कसने के लिए फिर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर। अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि भारत अमेरिका सहयोग को लेकर दोनों देशों के साझा हित और समान सरोकार को लेकर भी बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। चीन जिस तरह से आक्रामक है उससे अमेरिका की भी चिंता बढ़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और एनएसए अजीत डोभाल के बीच चीन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। बाइडेन की सत्ता शुरू होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। बाइडेन चीन को लेकर ठोस रणनीति बना चुके हैं और उसका पूरा रोड मैप भारत के सामने भी रखा गया है। ये पहले से साफ है कि ताइवान हो या भारत, दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका खुलकर ड्रैगन का विरोध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।